ये तस्वीरें देख रहे हैं, रुचि वीरा भी हैं और मोहबिल्ला नदवी भी हैं जो पूरा चुनाव लड़ गए तो वहां आजम के घर नहीं जा पाए थे। आज पत्रकारों ने पूछा भी कि क्या जरूरत थी आज मोहबिल्ला नदवी इतने दिनों बाद आजम जी के घर आप लेके आए हैं। देखिए असर तो है ही ना, मीरापुर हो, कुंदरकी हो, आजम खान छोटे नेता तो है नहीं, ये तो आप भी मानते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लेकिन जब आजम के जो करीबी लोग हैं वहां रामपुर में वो तो ये कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है वोट के लिए तब अखिलेश यादव और उनके लोग आ जाते हैं मिलने, वरना वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, यही नहीं, बात निकल के चंद्रशेखर ने कही, चंद्रशेखर ने कही, चंद्रशेखर जी अपने राजनीतिक लाभ के लिए किस तरह की कोई भी स्टेटमेंट दे दें वो जाने, जनता समझदार है सर। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में जो आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान में जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज ही आपने देखा इलाहाबाद में किस तरह से यूपीपीएससी के कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया है। आज मैं आपको ये दिखा दूं, यहाँ अब जनता चाहे बेटियां हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे पीडीए हो, सब लोग कह रहा है नहीं चाहिए भाजपा। ये देखिए इस तरह के बैनर्स लेकर के नौजवान लड़के लड़कियां आ गए हैं, वो कह रहे हैं ना कटेंगे ना मैंने फटेंगे, पूरा एक शो किया है दोपहर में ही। जी आपकी जी जो सर, बात है वो मैं मान रहा हूं, मैं आपको बता दूं ये बीजेपी की काटने की और पीटने की राजनीति अब नहीं चलने वाली सर। उत्तर प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र में देख लीजिए चाहे यूपी में देख लीजिए, प्रतिशत में 100 नंबर में 9, इतनी सीटें बीजेपी हारने जा रही है सर। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बीजेपी के हाथ इस वक्त कुछ नहीं आने वाला। ये जो झुंझुना इन्होंने लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे दे रखा है, अब वो झुंझुना बज नहीं रहा है, क्योंकि जब गरीब के पेट में जब आग लगती है ना सर भूख की, तब वो ये पूछता है तुम रोजगार क्या दे रहे हो, और रोजगार के नाम पे मोदी जी खड़े हो जाते हैं, योगी जी खड़े हो जाते हैं। आप जरा देख लीजिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं कि झारखंड अंसारी का नहीं है, इसका नहीं, उसका नहीं है। ये जनता सर एक चीज होती है, हर हर चीज की एक हद होती है, आप जब उस हद को पार कर जाते हैं तब आप जो है उस चीज की वैल्यू खो देते हैं, और नफरत जो है बहुत दिन तक के हिंदुस्तान का जो कॉम्पोजिट कल्चर है उसमें चल नहीं पाएगी। लोगों ने मोदी जी, योगी जी, हेमंत बिस्व शर्मा, तो खैर बेचारे बहुत डेस्परेट आदमी हैं, वो भी लगे पड़े कि मेरा भी कहीं नंबर आ जाए, उनका बेचारे का कुछ नहीं होने वाला, उन्हीं को बीजेपी कल तक के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहती थी। तो अभी जैसे बोला गया कि अगर भैया तुम्हें भ्रष्टाचारियों से इतनी ज्यादा नफरत है तो सबसे पहले तुम इन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में क्यों लेकर के आते हो। और जो हालात उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के इस वक्त हैं, आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिएगा, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, यहाँ के बायपोल्स भी देख लीजिएगा, हम बायपोल तक सीमित रह रहे हैं, महाराष्ट्र वाला जब करते हैं तब महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, लेकिन आपको इन तीन सीटों पर कम से कम सीसामऊ, मीरापुर और कुंदरकी पे बीजेपी ने घेर लिया है, ग्राउंड रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, तभी आजम खान के घर पहुंचना पड़ा है। नहीं सर, देखिए आजम खान साहब के यहाँ जाना, वो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और अखिलेश जी उनसे टच में हमेशा रहते हैं, तो पहली बात नहीं। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आप एक स्ट्रैटेजी होती है, पार्टी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं कि भाई क्या किया जाए, और आजम खान साहब पार्टी के लीडर, वो उनकी खुद की भी वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि समाजवादी पार्टी जीते, समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। और जैसे अखिलेश जी ने बाहर निकल के कहा भी कि जितने फर्जी केसेस हैं, जिस तरह से आजम साहब उनकी पूरी फैमिली को परेशान किया गया है, जिस दिन सरकार बदलेगी ये फर्जी सारे केसेस बंद किए जाएंगे सर, और सच्चाई सामने वापस आएगी। इस वक्त प्रशासन का इस्तेमाल करके आजम खान साहब को जिस तरह से परेशान किया गया है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो समझते हैं, जो सच्चाई को मानते हैं, वो इस बात को कहते हैं, चाहे बीजेपी का सपोर्टर भी हो, कि हाँ भाई आजम साहब को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। तो ये परेशानी हर अच्छे इंसान की जो है खत्म होगी जिस दिन समाजवादी पार्टी वापस आएगी, और शुरुआत अभी बायपोल से हो जाएगी, उसके बाद सर हो सकता है योगी जी की विदाई भी हो जाए, जैसे अखिलेश जी ने भी कहा कि सेंटर में लोग बैठे हुए कि बस ये बायपोल अगले राउंड में। योगी जी ने बड़ा तल्ख तरीके से पिछले तीन दिनों में जो प्रचार प्रसार किया है 9 सीटों पे, और पीडीए का नया प्रोडक्शन हाउस बताया है, उस पे आऊंगा मैं आऊंगा अभी। पहले ओम प्रकाश जी, काफी बड़े आरोप लगाए गए हैं, जय डॉक्टर गंगा साय मीणा हो, वरुण जी हो, बोले आप लोग ध्रुवीकरण पर जाना चाहते हैं, विकास पर बात नहीं करेंगे, 7 साल से आप विकास यहाँ उत्तर प्रदेश में सत्ता में हैं, आपने विकास, आप बताइए ना कि मैंने मुरादाबाद या कुंदरकी जो मुरादाबाद जिले में आती है उसके लिए हमने ये किया, आप जाके वहाँ ये सब बातें कीजिए, आप जब कटेंगे तो बटेंगे, बचे रहो, है तो सब हिंदुस्तान में ही,
जो अगर मैं मीणा जी की बात से निकालूं, वरुण जी की, कि अब ये वाली काट की हांडी चलेगी नहीं, वो लोग संविधान की ही बात करेंगे। बहुत अच्छा डिबेट है पुष्कर जी आपका, और दो बातें आपने कही, एक तो देश के विकास के बारे में बात होनी चाहिए, और दूसरा ये बटेंगे कटेंगे वाला क्या मामला है, इससे तो पूरा भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे इन लोगों के मुताबिक। हमको समझ नहीं आता कि योगी जी ने जिस दिन जिस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था, उसके बाद से चैनलों पर देख रहा हूं इसी का डिबेट लगातार चल रहा है। अच्छा, विपक्ष को इससे घबराहट क्या भाई, बटेंगे कटेंगे हमने नारा लगाया, हम उसका जवाब देंगे, आपको घबराहट किस बात की हो रही है? और अगर घबराहट नहीं है तो आप रोज नई नई कॉपी क्यों कर रहे हो बटेंगे कटेंगे की? आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाइए, अपने चैनल के किसी संवाददाता को भेजिए, रोज नया नारा, जुटेंगे तो कल क्या होंगे, बढ़ेंगे और क्या क्या होंगे। अरे भाई, सीधे सीधे अपना नारा लगाओ ना, आप अपना नारा लगाओ MY का, आप अपना नारा लगाओ PDA का, आप अपना नारा लगाओ परिवारवाद का, आप अपना नारा लगाओ जातिवाद का, आप अपना नारा लगाओ तुष्टिकरण का, जिस पर ये पार्टी की कुंडली है, पार्टी स्थापित की है। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं। अच्छा, 14 से हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं, बटे के कटे पर आ रहे हैं, विकास पर आ रहे हैं? 62-65 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके केंद्र में तीसरी बार बनी है, यूपी में कुछ सीटें जीत गए, लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की केंद्र में सरकार बन गई। 65 साल के जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो विकास के मुद्दे पर आए हैं, और ये किदवई साहब क्या बोलेंगे? कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने 4 बार इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, केंद्र में 58 साल जो है कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने मुसलमानों को भड़काने के अलावा गुमराह करने का दिया क्या मुसलमानों को, ये बताएंगे? ये जरूर बताएंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने की बदौलत ही इस देश के दो टुकड़े हुए थे, धर्म के आधार पर हुआ था भारत पाकिस्तान का बंटवारा, और उसके बाद 1947 में जो स्थिति हुई उसको देखा। दूसरी बात, ये जितने जितने ये नारा देने वाले हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश का अत्याचार नहीं, बर्बरता, क्रूरता, मानवता का अत्याचार होता, मंदिरों तोड़े जाते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता, कश्मीर में होता है, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, मैं एक नेता का नाम जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, जिसने विरोध किया हो, जिसका ट्विटर बोला हो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा, तब ये ठीक है। और अगर मान लीजिए उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था, उस पूरी बात को कहिए ना, वो बात उन्होंने कही कब थी? मुरादाबाद में कही थी, और कब कही थी? बांग्लादेश की घटना के बाद कही थी। ओम प्रकाश जी, मैंने ये बात पूरी बताई थी, मैंने कहीं उसमें वो नहीं किया। आप इन लोगों राजनीतिक हमले कीजिए, बांग्लादेश पे भी कम से कम सारे सियासी दलों ने ये कहा था कि सरकार जो स्टैंड लेगी हम उसके साथ हैं। सरकार ने हिंदुओं के अत्याचार पर क्या स्टैंड लिया है? बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर क्या स्टैंड लिया है? बांग्लादेश में सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन क्या इन्होंने हिंदुओं के अत्याचार हुआ उसकी निंदा किया? अरे बहराइच की घटना की निंदा किया, और नहीं तो उल्टे कह दिया कि हम बहराइच की घटना का किसने निंदा नहीं किया? नहीं, ओम प्रकाश जी एक लाइन रखिए ना, अगर बांग्लादेश पे बात कर रहे हैं, बांग्लादेश पे कर लेते हैं, मैं बहराइच में मैदान किदवई जी से सब पूछूंगा। पुष्कर जी, जहां जहां हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा हम उसकी बात करेंगे। मैदान जी, इट्स नाउ योर टर्न। के साथ ही क्यों भाई? हाँ जी साहब, अरे ओम प्रकाश, नाउ इट्स योर टर्न। मैं गंगा जी आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, मान लीजिए, देखिए आप पहले मैं बहराइच से शुरू कर देता हूँ। बहराइच में जो कांड हुआ है, जो बहराइच में हुआ है, उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। फैजान भाई एक सेकंड, गंगा जी एक सेकंड, मैं आप पास आऊंगा जरा। ये सीधा सीधा आरोप था समाजवादी पार्टी पे, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा। ओम प्रकाश जी की जो बात कही है, दो तीन बातें ओम प्रकाश जी ने साफ कही कि हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो आपको कोई दुख नहीं होता है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती बहराइच में हिंदू मारा जाए लड़का, या बांग्लादेश में हिंदू मंदिर जला दिए जाए, आप लोगों के पास से आवाज नहीं निकलेगी। मैं इसका जवाब दे दूं सर? बिल्कुल, इसका जवाब ओम प्रकाश जी, जब उनका बात हो तब आप बोलिएगा, बीच में नहीं बोलने से कोई फायदा नहीं।
देखिए बहराइच में आप ही के विधायक हैं, बहराइच में आप ही के विधायक हैं, नाम उनका सुरेश सिंह, उन्होंने आप ही के बीजेपी के 8 लोगों पे एफआईआर कराई है कि दंगा इन्होंने फैलाया था, राइटिंग इन्होंने करी थी, यहां तक बोला था कि उनके बेटे को मारने की साजिश कर रहे थे ताकि इसको हिंदू मुसलमान बना सकें। जब एक प्रोटोकॉल है कि एक तरफ से निकलेगा प्रोसेशन, उसको जानबूझ के आप लोग लेके गए क्योंकि आप चाहते थे इन बायपोल से पहले कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए, और आपने दंगा करा दिया हिंदू मुसलमान के बीच में। आपने बहराइच के आम आदमी से पूछिए, वो बीजेपी को उसका सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराता है। आपके लिए इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और हिंदू की बात करते हैं साहब, गुर्बत जब होगी, भुखमरी होगी, तो मुसलमान भी भूखा रहेगा, हिंदू भी भूखा रहेगा। भूख के मारे जब इंसान परेशान हो जाता है ना, तब उसके अंदर से जो चीख निकलती है वो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको उखाड़ के फेंक देगी। आप देखते जाइए आप किस तरह की बात कर रहे हैं। और आपने बात करी कि मोदी जी जो हैं, जो उन्होंने आने के बाद क्या तरक्की कर दी है, मोदी जी ही थे 2014 में जो कहते थे जब रुपये की वैल्यू गिरेगी तो देश की अस्मिता गिरेगी। तब रुपये की क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू है, देश पे कितना बड़ा कर्ज है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं, प्रेस फ्रीडम में कहाँ हैं, इसके बारे में आपको जरा पता होना चाहिए, जाके पता कर लीजिए। देश की ये जो कुछ मीडिया हाउसेज जो आपने खरीद रखे हैं हिंदुस्तान में, जो मोदी जी का ढिंढोरा पीटते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए हिंदुस्तान में करते हैं। हिंदुस्तान के बाहर जाइए, मेरे जानने वाले रहते हैं, आपके भी रहते होंगे, वहां ये जो ढिंढोरा जो हिंदुस्तान में बना रखा है ना, वहां ये सब नहीं चलता है। वहां मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान की छवि बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। आप जाके बहुत बहुत सारे रिसर्च है, उसको जरा जाके पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उन कहा कि नेहरू जी की तरह थर्ड टर्म में आए, नेहरू जी फुल मेजोरिटी में आए थे साहब, नेहरू जी का मुकाबला मोदी जी नहीं कर सकते हैं। नेहरू जी मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे, अगर नेहरू जी ना होते ना, तो शुरू से अगर मोदी जी जैसा कोई आ गया होता तो अब तक देश को इतनी झुलसा दिया होता नफरत की आग में कि जितना आज सौहार्द है ओम प्रकाश भी ना रहता। ठीक है, तो ये ठीक है, आपकी बात आगे, मैं ओम प्रकाश जी से जल्दी रिएक्शन ले लेता हूँ। देन है मोदी जी जैसे नॉन बायोलॉजिकल यहाँ कोई नहीं है। सुनिए सुनिए, बहुत बार लिया कि भाई साहब, पहली चीज तो ये कि 1992 में नेताजी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था, किसके खिलाफ किया था, बानवे में किया था, 1992 में। अब 1992 में किया था, कांग्रेस के खिलाफ किया था। दूसरी बात यह है, आप बड़ी बड़ी बात करते हो यार, राम गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़ लिए गए, 36 गोलियां लगी। ये झूठा न्यूज है सर, ये झूठा न्यूज है। नहीं नहीं ओम प्रकाश जी, ये गलत है, ये गलत है। इस पे यूपी पुलिस ने सीधा जारी किया है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है। गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ये कानूनन जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है जो आप कर रहे हैं। याद है, आप हल्ला ना मचाइए। अब पुष्कर जी मेरी पूरी बात सुनिए, मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना, जब उसकी हत्या हुई तो आप चैनल पर है, पत्रकार है पुराने, अखिलेश यादव ने क्या सवाल खड़ा किया था, कहा कि लाउड स्पीकर पर गाने क्यों क्या बज रहे, पुलिस कहा कि गालियां बजती हैं, आप गालियां बजती हैं साहब, नहीं 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 गालियां देते हुए फैजान भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे पास और भी गेस्ट है। एक बार चले गए राम गोपाल मिश्रा के घर पर, आप अतीत के घर तो जाते हो, मुख्तार अंसारी के घर फातिया पढ़ने तो जाते हो, क्यों नहीं चलेंगे? आप देखिए, समाजवादी पार्टी नेता जिसकी जेपी ने स्थापना किया, राम मनोहर लोहिया नेता थे, जनेश्वर मिश्रा थे, इनके इनके जो है मुस्लिम आईडी जो है, मुस्लिम के जो नेता है वो अब्दुल हमीद नहीं है, वो अब्दुल कलाम जी नहीं है, इनके मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है,